अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। रात हमने जगलोट में गुजारी थी, सुबह अभी तैयारी शुरू है हमारी। हमारे कुछ बाइक्स रेडी हो चुके हैं। कारी साहब जो हैं वो थोड़ा सा मैकेनिक के पास गए हैं कि थोड़ी सी मेंटेनेंस करवा लें। इमरान जमील साहब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अपनी बाइक भी रेडी है। अब्दुल माजिद भाई अपना सामान ला रहे हैं, वो पैक करते हैं, फिर आगे जाकर कहीं नाश्ता करेंगे और फिर आज आगे का सफ़र शुरू करेंगे। मौसम रात बहुत खूबसूरत था, हल्की हल्की बारिश चलती रही है, अभी भी आसमान पर बादल कुछ नज़र आ रहे हैं और पीछे ये जगलोट का शहर और कराकोरम हाईवे। कराकोरम वैसे भी बाइकर्स के लिए एक कशिश रखती है। बाइकर जो भी होगा उसकी ये ख्वाहिश होगी कि मैं कराकोरम हाईवे पे अपनी बाइक को चलाऊं, क्योंकि इसका जो शहर है, इसका जो जादू है वो सर चढ़ कर बोलता है। चलें आज भी हम इसी जादू के शहर में अपना शौक़ पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर जो ही आगे ब्रेक लगाएंगे वो जगह भी फिर आपको दिखाएंगे। व्यूअर, ये है नांगा पर्वत व्यू इन सीधा गेस्ट हाउस जहाँ हमने रात गुजारी थी। बहुत ही खूबसूरत लोग और बहुत ही मुनासिब रेट, खसूसन बाइकर्स के लिए खसूसी ताउन है इनका। बस अब वीडियो में मैं ये बताना नहीं चाहता कि कहीं होटल कम्युनिटी मेरी इस बात पे कहीं कोई हद ना लगा दे। तो ये है, थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ। ये जगलोट शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले जो बड़ा मोड़ आता है तो वहाँ से ये होटल है। नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करते हैं। ये सारी अतिक्रमण साहब, और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये वही होटल है जो पिछले साल हमने उस सामने वाली टेबल पे बैठ के नाश्ता किया था। पूरा एक साल गुजर गया, टाइम पे गुजरते पता भी नहीं चला। नाश्ते में हमने आमलेट और चने मंगवाए हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं वो पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ये जो सामने है ये कोहिंदू कुश है, और वो जो बिल्कुल सामने है ये हिमालया है, और ये मेरे पीछे जो है ये कराकोरम है। इसी तरह मैं आपको अगर नीचे दिखा दूं तो ये दो दरिया भी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और ये पीछे इसका टूरिस्ट पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ से दरिया का व्यू भी ले सकें।
तीन बड़े पहाड़ी सिलसिले, यहाँ इनका जंक्शन है और ये पीछे कराकोरम है। आगे बढ़ते हैं आपको।
जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नगर में और हमने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं। चाय तो हमने कप खाली कर दिए, अब जूस पी रहे हैं। इमरान जमील साहब ने दोनों रखे हुए हैं, एक साइड पे जूस रखा हुआ है और दूसरी साइड पे चाय का प्याला। अब ये एक घूंट चाय का भरेंगे और एक नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी चीज से शुरू करूँ। चाय भी गर्म है, जूस ठंडा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं रख लेता हूँ साथ और चाय पीते हैं पहले, फिर रास्ते में क्योंकि गर्मी है कम हो जाएगा। मेरे पास है वो दूसरा सिस्टम, मैं उसमें डाल दूंगा। हमारी सरेगी में एक मिसाल है भाई, चाह दे आवन तक ठंडा पी घिनू, तो ए पहले ठंडा पी घिनू। मिसाल ऐसे ऐसे नहीं सुनी वैसे। चले आगे चलते हैं, फिर गपशप लगाते हैं।